नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य एवं बब्बर था। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार तीन भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा नव सॉरी मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल, या जिसे हम उत्तर पाषाण काल कहते हैं। आइए बात करते हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित। पूरा पाषाण काल में एंड एक्स, क्लीवर और स्क्रेपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्तित शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। यह पूरा पाषाण काल था। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य इस काल में प्रस्तुत करते हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी मध्य पाषाण काल में अस्थि पंजर का पहला उल्लेख प्रतापगढ़ से मिलता है। अब बात करते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टूस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमे सूरियर ने प्राप्त किया था। नवपाषाण युगीन प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल बुरझोम एवं गुफर कराल है, जो कश्मीर प्रांत में स्थित है। इन अनेक गर्तावास, अनेक प्रकार के मृदुभान एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। बुरझोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत के किसी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से नहीं प्राप्त होती। चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सिंगों के हैं। ये उपकरण ताम्रपाषाण कालीन अवस्था के प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चिरांद बिहार प्रांत में है। इलाहाबाद में स्थित कोहली डबा एकमात्र ऐसा नव पाषाण कालीन स्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका लगभग काल 6000 ईसा पूर्व है। नव पाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नव पाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूँ, जौ, उरई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेल्लोरी, जो कर्नाटक प्रांत में है। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। नवपाषाण कालीन स्तर की प्रमुख उपलब्धियां खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थित ग्राम जीवन का विकास है। आइए इससे संबंधित स्मरणीय तत्व पर बात करते हैं। सबसे पहले भीमबेटका। भोपाल के पास स्थित इस पूरा पाषाण कालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं आदमगढ़ एवं बागोर। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। अब बात करते हैं बुरझोम एवं गुफ कराल। कश्मीरी नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से गर्तावास, कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
अब बात करते हैं चिरान, एकमात्र नौपषाणकालीन पुरास्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पिक्की लिहल कर्नाटक में स्थित इस नौपषाणकालीन पुरास्थल से शंख के ढेर और निवास स्थान दोनों पाए गए हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान स्थित इस नौपषाणकालीन पुरास्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नौपषाणकालीन प्राचीन बस्ती एवं कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं। पुरापषाण काल के मनुष्य मुख्यतः निग्रोटो प्रजाति के थे। मध्यपषाण कालीन मिली समाधियों में मानव अस्थि पंजर के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थि पंजर मिले हैं। धन्यवाद मित्रों, पूरा प्रयास किया गया है कि आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल से संबंधित उचित जानकारी दी जाए। आगे के ऑडियो क्लिप में आप प्रागैतिहासिक काल से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी।